आज मैं आपको एमएक्स एक्सेल के अंदर चार्ट बनाना समझाऊंगा ना। एमएक्स एक्सेल के अंदर चार्ट कैसे बनाते हैं, तो एमएक्स वर्ड में तो एक सिंपल था कि हम उसे क्लिक करते तो इसके अंदर ऑप्शन आ जाते थे, तो हम उसमें टाइप कर लेते थे। तो एमएक्स एक्सेल के अंदर हमें पहले तो डेटा बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद चार्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, जैसे कि आइटम हो गया, और उसके बाद रेट हो गया, क्वांटिटी हो गई और अमाउंट हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमें मतलब कि उसके आइटम नेम्स जो भी थे, जैसे ही सिंपल तरीका है वो हम टाइप कर लेंगे। आइटम जितना भी लेना है उसका रेट हो जाएगा, जो भी उसका रेट है वो रेट टाइप कर लेंगे। उसके बाद क्वांटिटी हो जाएगी, भाई कितने कितने हमें चाहिए, तो वो हम यहाँ पर क्वांटिटी टाइप कर लेंगे। तो हमने क्वांटिटी भी टाइप कर ली। उसके बाद अमाउंट पर जाकर फार्मूला लगाएंगे हम, इजिकल टू करने के बाद हम रेट पर क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई के निशानी लगाएंगे, और उसके बाद क्वांटिटी पर क्लिक कर इंटर करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा। हम कंट्रोल डी का बटन प्रेस करते जाएंगे तो ये नीचे भी कॉपी होता जाएगा। तो ये हमारी चार्ट बन गई। उसके बाद हमने इसे सेलेक्ट कर लेना, मतलब कि डेटा जो टाइप किया है उसे सेलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट पर जाएंगे। इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चार्ट्स होती हैं, इसमें से किसी भी एक को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ से इसे सेलेक्ट किया तो ये इस डेटे को इसने चार्ट की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ पर बुक्स आ रही है, तो ये बुक्स हैं, और मतलब और उसके बाद यहाँ पर कॉपी है तो फिर ये कॉपी का डेटा बता रहा है, पेन है तो ये पेन का डेटा बता रहा है, तो यहाँ पर क्वांटिटी भी बता रहा है और यहाँ पर इसका रेट भी बता रहा है, और ये इसने की अमाउंट बता रहा है। भाई सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है ना वो है पेन का, और कॉपी का उससे कम है और बुक्स का उससे कम है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये यहाँ पर ये सारा डेटा यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है, तो इस वजह से ये यहाँ पर सारा डेटा शो करा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।